नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रौनक कृषि खेती में। और आज हम बात करने वाले हैं लौकी और नेनुआ की खेती कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये नेनुआ मेरा अभी एक हफ्ता का हो चुका है। ये पिछले सप्ताह हमने इसको लगाया है और इस तरीके से नालियों में लगाने के बाद फिर देखिए इसमें नेनुआ लगा हुआ है। लगाने के बाद ये पुआल से ढक दिया गया था ताकि ये बीज जो है जल्दी अंकुरित हो जाए, ज़मीन से बाहर निकल जाए। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये 2 मीटर की बीज की गैपी होनी चाहिए, 2 मीटर कम से कम खेत के बीच की दूरी, ये वाली गैपी, नाली से नाली के बीच की गैपी, और 2 फीट की नाली होनी चाहिए। और पौधा हमने लगाया हुआ है, देखिए बीज जो है ये पौधे की यहाँ और दूसरा 2 फीट छोड़ के, 2-2 फीट की दूरी पे लगाया हुआ है। ये देखिए अभी ये अंकुरित हो रहा धीरे धीरे, और अब इस पे कीड़े भी लग रहे हैं, पेस्टिसाइड की ज़रूरत है इनको अभी। इसी तरीके से लौकी की खेती भी करते हैं। ये मिट्टी को पहले हमने तैयार किया है देसी खाद डाल के, गोबर की खाद डाला हुआ है। उसके बाद से DAP, इसके थाले थाले पे DAP दे के, ये देखिए लौकी है, सेम नेनुआ की तरह लौकी का भी खेती किया जाता है। ये भी सी लाइनों में बैठाया हुआ है और ये दोनों नालियों के बीच की गैपिंग है इसका 10 फीट लौकी की, ना दोनों नालियों के बीच की गैपिंग 10 फीट है। ये लौकी हमारा जाम के बाहर निकल रहा है, एकदम निकलने के लिए तैयार है। एक अभी अंकुरित होकर निकल भी रहा है, कुछ एक सप्ताह का हुआ है। और इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए आगे वीडियो बना के बताएंगे, उसमें जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा आपको बताते जाएंगे किस तरीके से कैसा करना है।